दोस्तों, अगर आप रिटायरमेंट फंड को कहीं पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर पहुंचे हैं। जब भी हमें रिटायरमेंट के समय कोई भी फंड दिया जाता है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कुछ भी हो सकता है, तो उस समय उस फंड का अचानक से हमारे पास जरूरत नहीं होती है। तो हमें उस फंड को इस प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि रेगुलर बेसिस पर हमें इनकम भी आती रहे और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो भी सेफ बना रहे, यानी उस पैसे का पर कोई भी रिस्क ना हो। अब जब भी हमारे पास फंड आते हैं तो हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं एज ए इन्वेस्टर्स कि हम पैसे को कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से या फिर लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आपका पैसा ग्रो करता है। हालांकि वहां पर रेट ऑफ रिटर्न आप ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन रिस्क भी है। जहां रिस्क रहेगा वहां हाई रिटर्न रहेगा। तो अगर हम उस एज में पहुंच चुके हैं, सीनियर हो चुके हैं, मतलब हम लोग रिटायर हो चुके हैं, तो अब हम अपने पैसे पर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो जो भी हमें फंड मिला है उसका कुछ पार्ट हमें बिल्कुल सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें रेगुलर बेसिस पर इनकम भी आती रहे और हमारा पैसा जो है वो डूबने का भी डर ना हो। तो इसी एक ऑप्शन के तहत आपको ऑफर किया जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तौर पर। अब ये कौन सा प्लान है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या सभी लोग इसमें अकाउंट ओपन करा सकते हैं, कितना फंड इसमें रखा जा सकता है मैक्सिमम लिमिट, कब मेच्योर होगा, कितना रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जाएगा, ऐसे तमाम प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे होंगे सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जब आपकी एज 60 वर्ष होती है तब आप इसको इसके तहत इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में से रिटायर हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर हुए हैं, कोई मैटर नहीं करता है। आपकी एज सिर्फ 60 साल होनी चाहिए, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये जो 60 साल की एज क्राइटेरिया है इसको कम भी किया गया है। पहला कंडीशन है उन लोगों के लिए जो कि VRS लिए हुए हैं, ध्यान से सुनिए, यानी रिटायरमेंट आपकी 60 साल पे होगी, लेकिन अगर आप पहले ही VRS ले चुके हैं और अगर आपकी एज 55 साल हो चुकी है तो आप उस 55 साल में अगर आपने VRS लिया है, मतलब 55 और 60 के बीच में कभी भी आपने लिया है, तो आप भी इस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन VRS आपका 55 साल के बाद होना चाहिए, यहां तक क्लियर। इसके बाद से अगर बात करें, अगर आप डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो अगर आपकी एज 50 साल है तो भी आप यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि 50 साल के थे, यहां पर मैं थे क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं इसके बारे में बात करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में एज ए सर्वेंट नौकरी कर रहे थे, और काम के दौरान खुदा ना खास्ता अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो गया तो उनकी जो भी स्पाउस होंगे, मतलब कि अगर हस्बैंड के साथ कुछ हुआ तो वाइफ, और वाइफ के साथ वर्किंग के दौरान कुछ हुआ तो हस्बैंड, अगर उनकी एज कोई भी हो उसे मैटर नहीं करता है। मतलब जो इंप्लॉय थे सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, 50 साल उनकी कंप्लीट हो चुकी थी, और काम के दौरान, मतलब ऑफिस में या फिर कारखाने में अगर वो काम कर रहे हैं और काम के दौरान अगर उनके साथ कुछ दुर्घटना होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो स्पाउस होंगे, मतलब कि हस्बैंड के साथ कुछ हुआ तो वाइफ, और वाइफ के साथ कुछ हुआ तो हस्बैंड, उनकी एज कुछ भी हो तो उन पर ये लिमिट बार काम नहीं करता है। बल्कि उनकी एज कोई भी हो तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो नॉर्मल पर्सन के लिए 60 साल एज रखी गई है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में छूट भी दी गई है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये तो हो गया एज के बारे में। अब ये आप अकाउंट कहां पर ओपन करा सकते हैं, तो किसी भी सरकारी बैंक में, किसी भी प्राइवेट बैंक में, या फिर पोस्ट ऑफिस में, कहीं पर भी आप चाहें तो ये स्कीम के तहत आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ठीक है। अब ये अकाउंट कैसे ओपन होगा, तो आप सिंगल अगर आप पर्सन है तो वो भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, या फिर ज्वाइंट बेसिस पर भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब ज्वाइंट में जो आपका पार्टनर होंगे वो आपके स्पाउस होने चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ आपकी पार्टनर के तौर पर इसमें ज्वाइंट अकाउंट में ओपन करा सकती है, और अगर आप फीमेल है तो आपके हस्बैंड ज्वाइंट अकाउंट के तहत इसमें अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ज्वाइंट अकाउंट में क्या होता है कि कोई सेविंग ज्वाइंट अकाउंट में क्या होता है कि कोई भी दो लोग अगर चाहें तो वो ज्वाइंट अकाउंट खुला सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपको ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है तो उस कंडीशन में आपको आपकी पत्नी या फिर आपके पति के साथ ही ज्वाइंट अकाउंट ओपन होगा। यहां तक क्लियर हो गया। नॉमिनी की फैसिलिटी अवेलेबल है और इसमें मैक्सिमम 3 नॉमिनी आपको ऐड करना होगा। अब तीनों नॉमिनी को अगर आप चाहें तो परसेंटेज वाइज अगर कुछ होता है तो आप उनको फंड अलॉट कर सकते हैं, मतलब कि आपके एब्सेंस में उनको पैसे मिल जाएंगे। अब मान लीजिए अगर आपने परसेंटेज डिसाइड नहीं किया तो ये माना जाएगा कि 33-33%, मतलब कि 33.33% सबको आपके ना रहने के कंडीशन में बैंक उनको पैसे दे देगी, ठीक है। यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम कितना इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है।
तो इसमें इन्वेस्ट करने की जो मैक्सिमम लिमिट पहले थी वो मात्र 15 लाख थी, जिसे हाल ही में बढ़ाकर के 30 लाख कर दिया गया है। यानी कि आप चाहें तो इसमें 30 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। ध्यान से सुनिए, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर के ओपन कराते हैं तो भी लिमिट 30 लाख ही होगी। और इंडिविजुअल लेवल पर आप ओपन कराते हैं, मतलब हस्बैंड 30 लाख करा सकते हैं और वाइफ भी अपने नाम पर 30 लाख का अलग से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ओपन करा सकती है अगर उनकी भी एज 60 साल हो चुकी है तो। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो 8.2% पर एनम रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑफर किया जाता है। और ये रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हर 3 महीने बाद रिव्यू किया जाता है, क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है। और अगर सरकार को लगता है कि हमें इसे घटाना है या फिर बढ़ाना है तो वो प्रत्येक 3 महीने पर रिव्यू के बाद से इस पे चेंजेस किए जा सकते हैं। लेकिन जब आप अपना अकाउंट ओपन कराएंगे तो जिस दिन आपका अकाउंट ओपन होगा उस दिन जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा होगा वही रेट ऑफ रिटर्न आपके लिए फिक्स कर दिया जाएगा। अब मैच्योरिटी की बात करें तो ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वो 5 साल के लिए ओपन होता है। और 5 साल तक जो आपका रेट ऑफ रिटर्न, जिस दिन आपका अकाउंट ओपन हुआ उस दिन जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा होगा या फिर ऑफर किया जा रहा होगा वही रेट ऑफ रिटर्न आपके 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से देखिए, आपका अकाउंट किसी भी दिन ओपन क्यों ना हुआ हो, फिक्स है कि आपकी जो भी एक तरीके से रिटर्न आएगा यानी कि जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपका मार्च के 31 तारीख, जून के 31 तारीख, सितंबर के 31 तारीख और दिसंबर के 31 तारीख को क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके सेविंग बैंक अकाउंट में। ठीक है, यानी ये फिक्स है। जैसे मान लीजिए आपने फरवरी में अपना अकाउंट खुलवाया तो जिस दिन आपने अकाउंट खुलवाया उसके 3 महीने बाद नहीं क्रेडिट होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें इंटरेस्ट क्वार्टरली पे आउट किया जाएगा। तो बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि जिस दिन अकाउंट खुलवाया था क्या उससे 3 महीने बाद जोड़ा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये फिक्स होता है कि मार्च के 31 की, जून के 31 की, सितंबर के 31 की और दिसंबर के 31 तारीख को आपका जो भी इंटरेस्ट बन रहा होगा वो इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि यहां पर जो हम पैसे डाल रहे हैं क्या ये पैसे ATC के अंतर्गत टैक्स फ्री होते हैं? तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक की जो लिमिट होती है वो यहां से बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब जो भी अमाउंट आपका जनरेट होगा, अगर सीनियर सिटीजन है तो जाहिर सी बात है 50,000 तक का पर ईयर आपका जो भी इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है। तो 50,000 तो आपका माइनस कर दिया जाएगा जो साल भर में आपका इंटरेस्ट बनेगा, उसके बाद जो अमाउंट बचा उस पर आपका TDS काटा जाएगा। तो क्वार्टरली जो आपका पेमेंट आ रहा है, ठीक है, आपके सेविंग बैंक अकाउंट में, उसमें TDS काट करके वो दिया जाता है। अगर आप TDS नहीं कटवाना चाहते हैं तो फॉर्म 15H अगर आप बैंक को सबमिट करेंगे तो वो TDS आपका नहीं कटेगा। या फिर अगर आप टैक्स के लिमिट में नहीं आते हैं तो ITR अगर आप अपना फाइल करेंगे तो वो जो TDS आपका कटा रहेगा वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसके बाद से मान लीजिए आपने अकाउंट ओपन किया और 5 साल का आपका टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, तो पहले ये कंडीशन थी कि आप एक बार ही इसको एक्सटेंड करा सकते थे 3 साल के लिए, लेकिन अब ये लिमिट हटा दी गई है। अब आप जितनी बार भी चाहें 3-3 साल के मल्टीपल में इसको आप एक्सटेंड करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने अकाउंट ओपन किया और 5 साल तक तो ये अकाउंट ही चलेगा, तो 5 साल तक ये जब मैच्योर होगा उसके पहले आपको एक एप्लीकेशन देना होगा बैंक में और वो एप्लीकेशन के बेस पर आपका 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जब वो 3 साल का टेन्योर फिर कंप्लीट होगा उससे पहले आप एप्लीकेशन देंगे तो आगे के 3 साल के लिए वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मान लीजिए एक्सटेंड हो रहा है तो 5 साल के लिए तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न फिक्स हो गया था जो भी हमने जिस दिन अकाउंट ओपन कराया उस दिन से, तो जब हम एक्सटेंड कराएंगे तो क्या वही रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जाएगा? नहीं। जब एक्सटेंड आपका होगा, मतलब मान लीजिए कि आपने 2024 के जनवरी 1 तारीख को अपना अकाउंट ओपन किया था, तो 5 साल का अगर आप देखेंगे पीरियड तो कब कंप्लीट होगा, 25, 26, 27, 28, 29, 2029 दिसंबर में जाकर के ये मैच्योर हो रहा होगा। यहां तक क्लियर हो गया? 2029 दिसंबर में जब ये मैच्योर हो रहा होगा और अगर आपने एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन दे दी तो जाहिर सी बात है अगला जो साल शुरू होगा उसका पहला दिन कब हो रहा है, वो 1 जनवरी 2030 हो रहा है। तो 1 जनवरी 2030 को जो भी रेट ऑफ रिटर्न निश्चित किया गया होगा या फिर डिसाइड किया गया होगा, ऑफर किया गया होगा, वो रेट ऑफ रिटर्न आपका लागू हो जाएगा अगले 3 साल के लिए। उसके बाद 3 साल बाद अगर आपका मैच्योर हुआ फिर अगर आपने एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट दे दिया तो उस डेट में जिस दिन आपका एक्सटेंड होने का एप्लीकेबल होगा उस दिन का जो भी रेट ऑफ रिटर्न चलेगा वो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। ये जो पैसा है ये 5 साल के पहले आप नहीं निकाल सकते, लेकिन प्री मैच्योरिटी के संदर्भ में कुछ कंडीशंस है जिसमें आप अपना पैसा
पेनाल्टी के साथ निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने जिस दिन अकाउंट ओपन किया और एक साल के अंदर ही आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी आपको एक साल के दौरान आपको रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से जो भी आपको इंटरेस्ट मिला होगा वो सारा इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट से काट लिया जाएगा। अगर एक साल के बाद और दो साल से पहले अगर आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं यानी प्री मेच्योर करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में 1.5% जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसका काट लिया जाएगा, और दो साल के बाद और तीन साल से पहले अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो उस कंडीशन में 1% आपका प्रिंसिपल अमाउंट का पैसा काट लिया जाएगा प्री मेच्योर के तौर पर, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप हस्बैंड हैं और आपकी वाइफ दोनों 60 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो दोनों अपना चाहें तो अलग अलग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ओपन करा सकती हैं, या तो आप सेम बैंक में भी करा सकते हैं और अगर अदर बैंक में भी चाहते हैं तो वो भी चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। यानी कि 30 लाख आपका आपके नाम से और 30 लाख आपके वाइफ के नाम से हो सकता है। और नॉमिनी की बात करें तो दोनों में आप अपने स्पाउस को या फिर अपने बच्चे को बेटे का बेटी का कुछ भी नाम दे सकते हैं और मैक्सिमम 3 यहां पर नॉमिनी दी जा सकती है। और आप परसेंटेज भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितना परसेंट किसको मिलना चाहिए, और अगर परसेंटेज डिसाइड नहीं करते हैं तो ये अंडरस्टूड बात है कि वो 33.33% प्रत्येक नॉमिनी को दे दिया जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 60 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो 60 साल कंप्लीट होने के बाद से तब तो कोई लिमिट नहीं रहेगी कि आपको ये अकाउंट कब ओपन कराना है, लेकिन मान लीजिए कि आपने VRS लिया है और 55 साल या फिर इससे ज्यादा यानी 55 से ऊपर और 60 से कम आपकी एज है तो जिस दिन VRS के तहत आपने अप्लाई किया और वो आपका एक्सेप्ट कर लिया गया और जिस दिन आपको फंड मिला वो जो रिसिप्ट होगी फंड मिलने की, जिस दिन आपको फंड मिलेगा उस फंड के डेट से एक महीने के अंदर ही अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तब जाकर के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत आपको बेनिफिट दिया जाएगा। ये उन कैंडिडेट के लिए, उन लोगों के लिए है जो कि VRS लिए हुए हैं 55 साल की एज या फिर इससे ऊपर और 60 से कम की एज में, और अगर आप एक महीने फंड मिलने के बाद जाते हैं तब आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और तब आपको इंतजार करना पड़ेगा अपने 60 साल होने का, तभी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप VRS लिए हैं और 60 साल से कम के एज के हैं तो उस कंडीशन में जिस दिन आपको फंड मिला आपके बैंक अकाउंट में, जो रिसिप्ट आपको मिली उस दिन से एक महीने के अंदर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर ओपन कराना है तो करा लेना है, अन्यथा की कंडीशन में आपको फिर 60 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अगर बात करें डिफेंस से संबंधित, अगर आप इंप्लॉय हैं और 50 साल आपकी एज हुई है तो ये सारी कंडीशंस भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, लेकिन जब आपकी एज 60 साल हो जाती है उसके बाद कोई भी कंडीशन नहीं है, आप 60 होने के बाद से कभी भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आपको फंड कब मिला, आपका पैसा अकाउंट में कब आया, कब आपका रिटायरमेंट डेट था, उसे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब कि आप प्राइवेट पर्सन हैं, मतलब कि प्राइवेट कंपनी से रिटायर हुए हैं या फिर गवर्नमेंट कंपनी से रिटायर हुए हैं, अगर आपकी एज 60 साल हो चुकी है तो आप कभी भी ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। VRS लेने वाले पर्सन के लिए एक और कंडीशन होती है कि मान लीजिए आपने VRS लिया, ठीक है, और रिटायरमेंट फंड के तहत आपको मान लीजिए 15 लाख फंड मिला और चूंकि यहां पर 30 लाख की लिमिट है, मैक्सिमम 30 लाख इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो आपके पास मान लीजिए आपका पर्सनल पैसा फंड के अलावा, जो रिटायरमेंट फंड मिला उसके अलावा अगर आपके पास 20 लाख रुपए है और आप चाहते हैं कि मैं पूरा 30 लाख ही इन्वेस्ट कर दूं, मतलब कि 15 लाख जो हमें रिटायरमेंट फंड मिला और 15 लाख अपनी तरफ से मिला करके 30 लाख टोटल इन्वेस्ट कर दूं, तो आप नहीं कर पाएंगे। VRS वाले पर्सन के लिए ये कंडीशन रखी गई है कि आपको जितना VRS का फंड मिला है मैक्सिमम उतना ही केवल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 15 लाख ही मिला है तो आप 15 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको 30 लाख मिला तब तो 30 मैक्सिमम लिमिट ही होती है, तो अगर आप चाहें तो 300 लाख वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 5 लाख ही मिला VRS लेने के बाद से फंड के तौर पर, तो आप मैक्सिमम जो इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे वो 5 लाख ही कर पाएंगे। अब यहां पर बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि मान लीजिए हमने VRS लिया, हमें पैसा उस समय 5 ही लाख था और बाद में हमें 60 साल होने के बाद से हमारे पास कहीं और सोर्स से पैसा आया या फिर बाद में हमें कहीं और से पैसा आया तो क्या हम अकाउंट ओपन करा सकते हैं? देखिए, जो आप अकाउंट ओपन कराए हुए हैं, जो पहले से आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ओपन कराया था, उसमें आप टॉपअप नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 5 लाख से अकाउंट ओपन कराया था और चूंकि लिमिट यहां पर 30 लाख की है तो ऐसा नहीं है कि आप 25 लाख बाद में उसमें और जोड़ दे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, मल्टीपल अकाउंट का ऑप्शन आपको दिया गया है, मतलब कि आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत आपने एक अकाउंट किसी बैंक में ओपन कराया, सेम बैंक में जाकर के आप दूसरा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए ओपन कराने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, बैंक आपके बिहाफ पर दूसरा अकाउंट ओपन कर देगा।
इस कंडीशन में आपको मल्टीपल अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन दिया गया है, मतलब कि जब जब आपके पास पैसे आएंगे, अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट स्कीम अच्छी लगती है तो आप इसमें पैसे के माध्यम से नया अकाउंट ओपन करा सकते हैं। पुराने अकाउंट में टॉपअप अलाउड नहीं है, लेकिन आप जब तक चाहें जितनी बार भी अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं करा सकते हैं, लेकिन आपको विशेष ध्यान ये देना है कि सारे अकाउंट्स को मिला करके आपका जो फंड होना चाहिए वो 30 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने पहले 5 लाख से एक अकाउंट ओपन कराया, दूसरा अकाउंट ओपन करा लिया 10 लाख से, तीसरा अकाउंट ओपन करा लिया 5 लाख से, तो अभी तक कितना हो गया, पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 5, तो कितना हो गया 20 लाख हो चुका है। और चौथा अकाउंट ओपन करा लिया 10 लाख से, तो अब आपकी 20+10 30 लाख की जो लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मान लीजिए गलती से, भूलवश या फिर जानबूझ करके आपने अगला भी अकाउंट ओपन करा लिया 15 लाख का, तो चूंकि आपकी 30 लाख की लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, तो पहले के जो 30 लाख तक वाला जो अकाउंट था, मतलब कि 4 अकाउंट पहले का जिसमें मिलाकर के 30 लाख हुए, उसमें तो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बेनिफिट मिलते रहेंगे, लेकिन जो अगला अकाउंट आपने ओपन कराया है गलती से या फिर जानबूझ करके, तो उस पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा, उस पर 8.2 का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सभी अकाउंट्स को मिलाकर के आपका 30 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए फंड, ठीक है। और मल्टीपल अकाउंट का ऑप्शन दिया गया, आप चाहें जितने अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।